तो ये हम लोग का बैग रेडी है, एक बैग, दो बैग, तीन बैग, ये बैग पूरा तरीके से खाली है ताकि वहां से सामान भर के ला सके। शकील भैया का यहाँ से हम लोग हवा भरवा लिए दोनों गाड़ी में। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू दी बॉस स्टूडियो। जो लोग भी पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाए। और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं आपको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं पूरी, और अभी बज रहा है सुबह का 1:45 AM। तो अभी जस्ट उठे हैं, जल्दी से रेडी होते हैं, घर साफ करते हैं, बाइक में सामान बांधते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ओके, हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग निकलने वाले हैं। हम अपना बाइक को दिखाते हैं भैया, तब तक गेट सब बंद कर। ठीक है भाई, नंबर वन। और ये रहा ना बाइक नंबर टू। पहला बार बांधे हैं, पूरा बांधने में अजीब सा, मतलब बहुत मेहनत लगा, बंधाया नहीं जल्दी। तो देखते हैं, फिर रास्ते में प्रॉब्लम होगा तो फिर से काट के फिर से बांधा जाएगा। अभी फिलहाल निकलते हैं, टाइम आ गया दोस्तों निकलने का। अभी बज रहा है ठीक 3:30, मतलब 2 मिनट ज़्यादा, 3:32। हम लोग निकल रहे हैं, पहला बार इतना लोड सामान के साथ बाइक चलाने वाले। हालेलुया, अच्छा करना। हाँ, थोड़ा जाम है तो हम लोग जाम से निकलने के बाद बात करते हैं। तो दोस्तों बाबू जार आ चुका है और अभी पूरा का पूरा रास्ता जाम है। अच्छा, वो हम लोगों ने पेट्रोल कल ही भरा लिया। यहाँ से 9 घंटा 45 मिनट दिखा रहा है और 3:30 बजे निकले हम लोग, आपको बता दिए हैं। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, पहले कोला घाट पहुँचते हैं, देखते हैं कोला घाट यहाँ से कितना देर लगता है पहुँचने में। ज़्यादा स्पीड हम नहीं चला रहे क्योंकि सामान पूरा बंधा हुआ है ना, और अभी नॉलेज नहीं है कि कैसे बंधाया नहीं बंधाया, धीरे धीरे हो जाएगा प्रैक्टिस। क्योंकि हम लोग सिर्फ दीघा का ट्रिप किए थे, खड़गपुर किए, बैंडल किए, अभी तो मेन मेन परीक्षा आज के। ये विद्यासागर सेतु को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, बट पता नहीं आज इतना कंकड़ पत्थर क्यों उड़ रहे हैं। और ये आ गया हमारा फर्स्ट टोल प्लाजा, बाइक को तो लगेगा नहीं। ओ तेरी, जाम देखो आज के, अनेकटा जाम आचे बाबा, इतना जाम है क्या बताएं। फिलहाल हम लोग NH 12 पे है और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक हम लोग को खाली मिला है। ये रहा हमारा फॉग लाइट का कमाल दोस्तों, और अभी हम लोग लगभग से लगभग 70 का स्पीड में क्रूज कर रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत सारा राइडर लोग मिला, आगे एकदम दिख रहा, पता नहीं क्या GoPro में दिख रहा है कि नहीं, वो एकदम वो हंटर रॉयल इनफील्ड का कोई था 650 बोल के, वो बाइक लेके जा रहा था भाई। ऐसा अंगूठा दिखाया मेरे को एक करके, बहुत मजा आया। ये भैया लोग सामने जो है उड़ीसा जा रहे हैं, जिनसे हम बात किए थे थोड़ा देर पहले, तो वही हम भैया को बताए, भैया हम लोग का तो लॉन्ग ट्रिप ऐसा पहला है, तो भैया हमको ऑल द बेस्ट भी बोले, थोड़ा सा हंसी मजाक भी हुआ। घर से निकले थे हम लोग 3:30 बजे, अभी 5 बजने वाला है। 58 किलोमीटर हम लोगों ने बाइक चलाया है और ये आगे कोला घाट। यूजुअली क्या होता है दोस्तों कि हम लोग यहाँ आने में कितना घंटा लगा, 3:30 4:30, 5 बजे से पहले हम लोग पहुँच गए तो 1.5 घंटा लगा। तो हम लोग जो वहाँ पर जैम में फंस गए थे ना, उसके वजह से हम लोग को लेट हो गया। तो हम लोग फैसला किया है कि हम लोग कोला घाट में नहीं रुकेंगे, जाके सीधा खड़गपुर में रुकेंगे। ये वाला रास्ता आपका चल जाता है दीघा और ये सीधा रास्ता चलता है खड़गपुर। गाइस ये देखो धीरे धीरे ऑरेंज हो रहा है अपना आसमान, इसीलिए मैंने फॉग लाइट बंद किया आप लोगों को दिखाने के लिए। कैसा लग रहा है पता नहीं GoPro में कितना आ रहा है, पर मेरे आंखों से हम वो देख पा रहे। थोड़ा रुक गए थे, मेरा फॉग लाइट थोड़ा दिक्कत कर रहा था। चलो सर अब आगे। फॉग लाइट क्या बोलूं, मैंने बताया ना
जल रहा मेरा मर्जी से, लेकिन बुझ रहा अपना मर्जी से। लुक एट द व्यू गाइस, लुक एट द व्यू, ओ माय गॉड, क्या ही मस्त व्यू है भाई, क्या ही मस्त। और अभी हम लोग 83 किलोमीटर चला लिए है, 5:23 हो रहा है, लगभग से लगभग 2 घंटा होने वाला है और 9 मिनट बाकी है, 7 मिनट बाकी है। देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं, 100 किलोमीटर कितना देर में होता है। मेरा आपको मन नहीं करता है, आपको जाना नहीं है बाइक लेके कहीं पे। कैसे आप देखेगा ये सब चीज़, मैं दिखाएगा। सब्सक्राइब टू बॉस स्टूडियो। ये देखो देवरा के लिए लेफ्ट और क्या है मरुतला और पूरी सीधा, ये अपन लोग पहुँचने वाले हैं। 91 किलोमीटर हो चुके हैं और यहाँ पर 5:30 बज चुका है। तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये डेबरा टोल प्लाजा है, यहाँ पर हम लोगों ने 100 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है और लगभग 5:40 हो चुका है, मतलब हम लोग 2 घंटा 10 मिनट में 100 किलोमीटर चला चुके हैं बाइक। मैं सोच रहा हूँ कैमरा बंद कर दूँ, लेकिन ये सब नज़ारा देखो गाइस, क्या ही खतरनाक नज़ारा है। ये भी है कि नहीं, पूरा पेड़ के पास धुंधला 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 धुंधला। लेना होगा राइट खड़गपुर के लिए और बालासोर के लिए सीधा, बट हम लोग को जाना है मुंबई वाले साइड में, तो हम लोग खड़गपुर इधर से लगे, हम लोग को सीधा जाना है। तो खड़गपुर भी हम लोग पहुंच गए, अब देखते हैं आगे कुछ चाय वाय मिलता है तो ठीक है आते हैं। आफ्टर 115 किलोमीटर्स, 2 घंटा 15 मिनट गाड़ी चलाने के बाद हम लोग थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। ये देखो चश्मा लगा के थे, पूरा मुंह काला हो गया लेकिन आंख का पास बच गया, तो मार्क्स भी कैरी करना चाहिए था, मुंह काला हो गया मेरा। भैया और ज्यादा धूला मिट्टी, बहुत धूला था, बहुत मेरा पूरा का पूरा ड्रेस में पूरा धूला है। ये हमारा बाइक और पीछे का साइड में इतना गजब गजब सीन है ना। ये देखो एक फोटो ले लेते हैं, बस 20 से 30 मिनट रुकने के बाद हम लोग फिर से निकल चले राइट साइड। अभी बज रहा है 6:13, देखते हैं अब कितना कंप्लीट कर पाते हैं, ऐसा दिमाग में कुछ सोच के नहीं रखे, इतना चला नहीं है। Let's see. खर्चा भी हम प्रॉपर दिखाएंगे कितना खर्चा हो रहा है। और एक चीज़, बहुत जन होटल का लेके बहुत ही ज़्यादा चिंतित है, चिंतित बोले तो थोड़ा टेंशन में है, तो हम लोग देखते हैं कितना कम से कम होटल में हम लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं, तो वो भी दिखाएंगे। आपका जो दूल्हागढ़ से लेके डेबरा टोल प्लाजा तक जो रास्ता था एक नंबर था, अभी ये जो रास्ता हम लोग को मिल रहा है बीच बीच से ट्रैक तो है बट अचानक से ऐसे उबड़ खाबड़। ये देखो ये वाला पूरा प्लेन है, बीच बीच में अचानक से ऐसे हो रहा है। ये आ गए हम लोग, कौन सा टोल है, वेलकम टू दी रामपुरा टोल प्लाजा, दिस इज अ रामपुरा टोल प्लाजा। लेकिन बाइक का टोल कोई दे सकता है क्या, ए अपना बाइक, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ जगह पे बाइक का भी टोल टैक्स लगता है। बम्पर नहीं बनाया भाई, कुछ भी लाके पटक दिया इधर, कुछ भी। तो आ गए हैं दोस्तों हमारा एक और टोल गेट, जिसका नाम है
अभी 7:23 हो रहा है, हम लोग 189 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी क्रॉस कर रहे हैं सुबर्णखा रिवर। बहुत ही मस्त, थोड़ा सा कमर टिकल लो। कैसा लग रहा भैया, जोर से बोलो। ठीक लग रहा, ये जो है ना पीठ में रखने का, हाँ हाँ मेरा तो ऐ देख तुम चेन सही से बन नहीं किया। और हम लोगों का पहला डाइवर्जन, ओह माय गॉड। आफ्टर 192 किलोमीटर्स हम लोगों ने कंप्लीट किया और अभी बज रहा 7:30, यानी कि 5:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 4 घंटा हो चुका है हम लोगों को। तो इस दुकान में हम लोगों ने खाया पूड़ी और आलू चॉप। आलू चॉप मेरे को अच्छा लगा, पूड़ी नहीं अच्छा लगा, थोड़ा तेल ज़्यादा था। लोग यहाँ पे लगभग ब्रेक मारे हैं 20 मिनट का और अभी हम लोग कंप्लीट किए हैं 192 किलोमीटर। 200 पे रुकने का बात था लेकिन भूख लग गया तो रुक गए, तो अब चलते हैं फिर से 100 किलोमीटर पार करने। होगा नहीं होगा पता नहीं, नहीं होगा तो रुक जाएंगे और क्या। चलो चल ब्रो। मंदिर के पास हम लोग रुके थे बैटरी चेंज करने के लिए। 44 किलोमीटर कर चुके, ब्रेक ज़्यादा नहीं होगा, अब निकलते हम लोग सीधा। तो जब बैटरी ख़त्म हो गया था तब हम लोगों ने एक छोटा सा टोल पास किया, तो 6 टोल आज का पास हो चुका है। एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कभी भी ऐसा ट्रिप में अगर आप छोटा सा भी ब्रेक मारते हो, किसी भी चीज़ के लिए ब्रेक करते हो, तो आप पानी पी लो और टॉयलेट चले। अभी बज रहा है 9:20 और 255 किलोमीटर हम लोग चला चुके हैं। अभी और 4:26 समथिंग कुछ दिखा रहा है, 227 किलोमीटर समथिंग कुछ बाकी। यहाँ पेट्रोल पंप दिखा है तो पेट्रोल भरा लेते हैं, क्योंकि पता है ना मेरा बाइक का माइलेज बहुत अच्छा है, इसे फुल करिए देखिए क्या आता है। कितना करके जा रहा है इधर? 110 रुपये 28 पैसा, इधर महंगा 103 दिखा रहा है। हाँ 110, हम भी सोचे 110 कहाँ से। अब पेट्रोल भरा लिया है, मेरा बाइक में पेट्रोल 2 डंडी या 3 डंडी कम हुआ था, फिर से 760 रुपये का भराया पेट्रोल और कार्ड पेमेंट होने में बहुत टाइम लगा भाई। आज का 7वां डाइवर्जन। ओहो तो डाइवर्जन की होचे एटा। अभी हम लोग चरम्पा के ऊपर से जा रहे हैं, ये आपका डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट उड़ीसा, ये आज का 7वां टोल। हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं बैत्रा रानी रिवर। अनेकटा चलिए गए थे, चल भैया एक फोटो होना चाहिए। बैत्रा रानी रिवर ये वाला हम लोग क्रॉस कर लिए, बहुत देर तक रुके थे यहाँ पे और अब चलते हैं कुछ खाना वाना का देखते हैं। क्या है सर खाने को? खाना हाँ, रोटी होगा, सब्जी होगा, नॉनवेज में चिकन होगा। भैया बैठे हुए, अच्छा होटल है, बहुत सुंदर साफ। अभी खाना कैसा होगा ये मुझे पता नहीं, अभी माता तो देखते हैं। और ये चश्मा मैंने पहना था, एक बार पहन के दिखाते हैं कैसा लग रहा है। ये देखिए कैसा लग रहा है, हमको कमेंट करके बताइए। तो खाना खा लिया हम लोग और खाना गजब टेस्टी था, गजब टेस्टी। होटल का हम एड्रेस दिखा दे रहे हैं, अगर आप लोग एक बार ट्राई करना है तो आके करो। ये है अच्छे से जाना।
हमारा सफ़र फिर स्टार्ट हो गया। हम लोगों ने 53 मिनट्स का ब्रेक लिया था, एक घंटा नहीं था, हम लोग 9 मिनट पहले निकल गए। 9 मिनट में कितना किलोमीटर कंप्लीट करते देखते हैं। अभी हम लोग का है 330 किलोमीटर। बहुत ही अच्छा खाना था, और खाना खाने के बाद ना, मतलब मैं तो ज़्यादा नहीं, 2 रोटी खाया और थोड़ा सा चावल खाया, पेट भर के नहीं खाया क्योंकि नींद आ जाता है। लेकिन सच बताया बहुत टेस्टी था, बहुत आराम लग रहा, शरीर में जान आ गया। तो सेम एनर्जी और सेम इंटेंसिटी के साथ ये ब्लॉग को फिर से स्टार्ट करते हैं। आज का 11th डाइवर्जन, पूरा डाइवर्जन गिनेंगे हम। टोल टैक्स तो हम भूल गए कौन सा किधर है, डाइवर्जन पूरा याद रहेगा हमको, इतना डाइवर्जन। ये जगह जगह है, जगह जगह पॉल्यूशन टेस्टिंग, स्पीड चेकिंग, सब जगह जगह, इसलिए एकदम ध्यान से रास्ता चलाने का है। जहाँ ऊपर हुआ सीधा आ जाएगा ऑनलाइन। ये देखो ऊपर में जो दिख रहा है, ऐसे वाला भी लगा हुआ हर जगह, तीन तरह का दिखा दिया। ये 8वां टोल गेट होगा। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर बचा हुआ है, बहुत ही खुशी का बात है। कटक यहाँ से 10 किलोमीटर दिखा रहा है, देखते हैं। अभी फिलहाल 1:05 हो रहा है। ये है महानदी, उस साइड में पूरा आप देख रहे हैं ना, उधर पानी भरा हुआ पूरा, उधर पानी है, इधर जितना देख रहे हैं पूरा सूखा है। अभी यहाँ ज़्यादा रुकते नहीं है, निकलते हैं फटाक से क्योंकि हम लोग को ज़्यादा लेट नहीं होना है। तो बैटरी चेंज कर दी है, 2 बैटरी अभी तक डाउन हो गया है, तीसरा बैटरी में हम लोग शायद पहुँच जाएंगे। और 75 किलोमीटर है और अभी बज रहा है 1:30। पूरी पहुँचने से पहले हम लोग एक मिठाई ब्रेक लिए। कैसा है भाई टेस्ट खा के बताओ, कितना का किया? पक्का 40 रुपया होगा या 20 रुपया होगा भैया। बहुत टेस्टी है। आने से आपका गिर जा रहा साहब, आपका चटनी गिर रहा। ठीक है ना, छोटा वाला लेंस अच्छा बड़ा हुआ है। ये आ गए हम लोग फिर से, पता नहीं कहाँ गए। अच्छा वही वाला वो जो ब्रिज हमने खड़ा होकर दिखाया ना, जो आधा सूख गया था और आधा भीगा हुआ था, वही महानदी। पूरी के लिए हम लोग को नीचे लेना होगा, और यहाँ लोकल्स कभी भी इस पार उस पार हो जा रहे, देख रहे हो यहाँ का राइडर लोग को, हमको डर लग जा रहा है भाई लोग देखते हो। ये हमारा शायद 9वां टोल है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेलकम टू दी पिपली टोल प्लाजा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू पुरी। आ गए हम लोग, 42 किलोमीटर और दूर है, आ गए हम लोग। ये बात देख रहे हो
ये 5 और ये 6 किलोमीटर दूर। अंडर स्वच्छ भारत मिशन। अभी जिस सड़क पे हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है जगन्नाथ सड़क, और ये अभी सर नया बना है इसलिए ज्यादा कोई दिख भी नहीं रहा है। पीछे 2 लोग स्कूटी लेके आ रहे हैं बस। दोस्तों और साथियों, आप लोगों ने इतना देर तक ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के एंड में आपको हम वो दिखाएंगे जिसके लिए आप लोगों ने वीडियो देखा। तो हम आपको अपना रूम दिखाते हैं, चलिए अपना रूम, रूम नंबर 206। ये इसको इग्नोर करो, हम लोग आके फेंक दिए सब सामान, बहुत थके हुए थे। ये अपना रूम है, डबल बेड है, यहाँ पे एक ड्रॉअर है, वहाँ पे कुछ रखने के लिए, यहाँ टीवी है, यहाँ पंखा है, वहाँ एसी है, और यहाँ एक सामान रखने के लिए रखा गया है। ऑफकोर्स हम लोग इसके अंदर हेलमेट रखेंगे और कुछ भी नहीं। और ये रहा बात, यहाँ पर एक आईना है। और रूम को कितना लिया, 4500 तीन दिन का। लेट्स गो ब्रो। हम लोग जा रहे हैं समुद्र में थोड़ा सा, अभी बज रहा है, कितना बज रहा है, 5:10 हो रहा है। चांद है या समुंदर कुछ ज़्यादा ही एकदम। ये ब्लू कलर देख रहे हो, क्या ही ब्लू कलर आ रहा है। का जो दिन है उसको यहीं पे ख़त्म करेंगे, और इन हसीन नज़ारों के बीच। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दे और शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं कोणार्क टेंपल, और कोणार्क टेंपल को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। तो वो वीडियो अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।